जयपुर हेरिटेज नगर निगम में कांग्रेस की मेयर मुनेश गुर्जर के पति सुशील गुर्जर को एसीबी ने रिश्वत कांड में ट्रैप किया था। इसके बाद मेयर मुनेश गुर्जर पर भी गाज गिरी है। देर रात राजस्थान सरकार ने कांग्रेस बोर्ड की महापौर मुनेश गुर्जर को पद से सस्पेंड कर दिया। बता दें कि रिश्वत कांड मामले में मेयर भी जांच के घेरे में है, जिसके चलते स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक हृदेश कुमार शर्मा ने महापौर को सस्पेंड करने के आदेश जारी किए हैं। वहीं शुक्रवार रात को एसीबी की कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किए गए मेयर मुनेश के पति सुशील गुर्जर को कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्हें 2 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है। इसके अलावा एसीबी ने अन्य दलालों को सामने बैठाकर काफी देर तक पूछताछ की। मुनेश ने अपने पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर खुद को बेगुनाह बताया और मेयर मुनेश गुर्जर के पति ने कहा कि सिविल लाइन के पार्षद मनोज को डिप्टी मेयर बनाने के लिए मुझे फंसाया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के एक बड़े नेता के इशारे पर पार्षद मनोज ने उन्हें मिलकर फंसाने की साजिश की, जिसका मौका मिलने पर खुलासा करूंगा। मुझे और मुनेश दोनों को जान का खतरा है। घर पर नकदी मिलने के सवाल पर सुशील ने कहा कि उन्होंने वैशाली नगर में एक प्लॉट बेचा था, उसके एवज में 49 लाख रुपए उनके घर पर ही रखे हुए थे, जिनके दस्तावेज उन्होंने कोर्ट में पेश कर दिए हैं। बता दें कि पट्टे जारी करने के एवज में 2 लाख रुपए की घूस लेने के मामले में एसीबी ने शुक्रवार रात को पूर्व मेयर के पति सुशील को 2 अन्य दलालों के साथ गिरफ्तार किया था। इस दौरान एसीबी को मेयर के घर से 40 लाख रुपए नकद और एक दलाल के घर से 8 लाख रुपए नकद मिले थे। यदि आप इस वीडियो पर अपनी कोई प्रतिक्रिया देना चाहें तो कमेंट सेक्शन में जरूर दे सकते हैं। साथ ही साथ राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए News 24 राजस्थान को सब्सक्राइब करें।